हेलो एवरीवन, आज हम लोग लॉगरिथम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन हमने देखा था और उसका और भी प्रॉब्लम का वीडियो हम एक आध और डालेंगे ताकि और प्रैक्टिस हो सके। बाकी मैंने पूरा उसमें डिफरेंशिएशन पढ़ा दिया आपको। लॉगरिथम में देखो कि इसका ज़रूरत कहाँ है। इसका ज़रूरत आपको फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री दोनों में पड़ेगा। फिजिकल केमिस्ट्री जो आप आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडाइनमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन सब जगहों पर इसका ज़रूरत पड़ेगा। और फिजिक्स में आपको हीट, ठीक है, बहुत सारा ग्राफ जब प्लॉट करेंगे आप मैकेनिक्स में वहाँ पर, फिर आपको साउंड में, फिर सर्किट में जहाँ पर आप इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट पढ़ते हैं वहाँ पर इसका ज़रूरत आपको पड़ेगा। मॉडर्न फिजिक्स में भी पड़ता है जहाँ न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं कि लॉगरिथम है क्या। लॉगरिथम जो होता है इसका जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन यही बोलता है कि इट इज अपोजिट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इट इज अपोजिट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अपोजिट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अपोजिट है। ठीक है, अब ऐसा इसीलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि जितना ज़रूरत है आपको फिजिक्स के लिए सिर्फ उतना ही बताएंगे हम, उससे ज़्यादा आपको दिमाग में लगाना। बाकी तो ये लॉ एवं मैथ में पूरा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। जैसे मान लीजिए वाई इक्वल टू आप ई के पावर एक्स लिख दिए, तो वाई इक्वल टू ई के पावर एक्स ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। जहाँ पर भी ई आ जाता है इसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल। ठीक है, और इस ई की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.71। e की जो वैल्यू होगी वो होती है 2.71 होती है। अब यहाँ समझिए कि लॉग का आखिर और क्या ज़रूरत है, क्या रूल है इसका, क्या फॉर्मूला है। तो यहाँ देखो, जैसे मान लीजिए आपने लिखा लॉग x a, ऐसा लिखा, तो इसको पढ़ेंगे क्या, इसको आप पढ़ेंगे रीड एज, क्या पढ़ते हैं इसको, तो इसको पढ़ते हैं लॉगरिथम ऑफ x, लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस ऑफ a, टू द बेस ऑफ a, यानी कि आप x का लॉगरिथम निकाल रहे हैं a बेस में। आप x का लॉगरिथम निकाल रहे हैं किसके साथ, a बेस के साथ। आप x का लॉगरिथम फाइंड आउट कर रहे हैं, इसी को हम लोग पढ़ते हैं रीड एज लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस ऑफ a। इसका एक और मतलब होता है, वो ये मतलब होता है, इसका जो मेन मोटो है वो समझिए, इसको कभी भी आप गलती से भी a के पावर x मत पढ़ लेना। ये a के पावर x नहीं है, log x निकाल रहे हैं, x का log निकाल रहे हैं, बेस में a है। इसको अब एक सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे वो समझो। सिंपल लैंग्वेज में ये बोलते हैं कि a के पावर कितना दिया जाए, ए के पावर कितना दिया जाए कि वैल्यू एक्स हो जाए। ए के पावर कितना दिया जाए कि वैल्यू क्या हो जाए, एक्स हो जाए। यानी कि इस बेस पर कितना पावर हम बैठा दें कि एक्स मिल जाएगा हमको, इस बेस पर कितना पावर हम बैठा दें कि हमको एक्स मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखिए, आपने लिखा लॉग टू टू द बेस टू। अब इसका वैल्यू आपसे कोई पूछा कि इसका वैल्यू क्या होगा, अब इसका वैल्यू आपको नहीं पता, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यहाँ पर क्या करना है, हमने क्या बोला कि a के पावर कितना दिया जाए, यानी कि इस बेस पर कितना पावर बैठाएं, इस 2 पर कितना पावर बैठाएं कि 2 बन जाए, तो 1 पावर बैठा दो, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए फिर आपको दे दिया log 8 टू द बेस 2, इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए आप सोचो कि इस 2 पर कितना पावर दे कि 8 बन जाए, तो 2 के पावर आप 3 सोचिए। अगर आप 2 के पावर 3 देते हैं तो 2 × 4 × 8, तो इसकी जो वैल्यू होगी log 8 टू द बेस ऑफ 2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। आई बस में और भी एग्जांपल इसके हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल हैं, देखते हैं अभी उसको भी। आइए जैसे यहाँ देखो, नेक्स्ट एग्जांपल आपको दे दिया log 1/81 टू द बेस 1/3, अब क्या होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 1/3 के पावर कितना बैठाएं कि 1/81 मिल जाए, तो 4 बैठाना पड़ेगा और यही आंसर हो जाएगा। अगर इसका log पूछता है तो इसका आंसर कितना होगा, 4।
4, यानी कि अगर आप 1 बाई थ्री के पावर सोच के देखिए ना, 4 डाला तो कितना हो गया, 1 बाई थ्री इंटू 1 बाई थ्री, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/81 आ जाएगा, है ना। दूसरा एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपने दे दिया log 4 टू द बेस √2। अब ये हुआ कि √2 पर कितना पावर दें कि 4 आ जाए, तो 4 पावर दो, कैसे, तो यहाँ देखो √2 के पावर अगर 4 दे दिए तो √2 गुने √2, ये दो ठो √2 मिलके 2 दिया गुने, और ये दो ठो √2 मिलके 2 दिया, तो ये दोनों मिलके कितना हो गया, 4 हो गया, और यही हमको चाहिए। तो लॉग का जो मेन मोटो है वो ये मोटो इसका यही हुआ कि आप बेस पर कितना पावर देंगे कि आपको वो वैल्यू मिल जाएगा, तो उसी को हम लोग लॉगरिथम बोल रहे हैं, ठीक है। इतना से ही आपका काम फिजिक्स में और फिजिकल केमिस्ट्री में दोनों में चला जाता है। अब यहाँ समझो कि आखिर ये जो एक्स्ट्रा वैल्यूज हमने पहले से जो लिख कर रखी है इसको क्यों लिखे, क्या ज़रूरत है इसका। तो ये जो लॉग का वैल्यू लिखा हुआ है ये इसका ज़रूरत पड़ता है एंटी लॉग वगैरह में, वहाँ पर बहुत ज़रूरत है एंटी लॉग। अब क्या होता है कि जब एंटी लॉग आप निकालते हैं, एग्जाम में आपको एंटी लॉग निकालना पड़ सकता है, लॉगरिथम की वैल्यू निकालनी पड़ सकती है, तो वहाँ पर आपको एंटी लॉग निकालने के लिए लॉग टेबल का ज़रूरत पड़ता है, मेंटिसा निकालते हैं वगैरह, उससे आप एंटी लॉग निकालते हैं, वो बड़ा डिफिकल्ट है। आपने लॉगरिथम ऐसे 8-9 में भी पढ़ा होगा तो आप लॉग टेबल का यूज़ किए होंगे। विदाउट लॉग टेबल को यूज़ किए हम लोग लॉगरिथम निकाल सकते हैं, एंटी लॉग का उतना काम हम कर सकते हैं जितना हमको फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में ज़रूरत पड़ता है, उतना काम आप विदाउट लॉग टेबल को यूज़ किए, बिना एंटी लॉग को यूज़ किए भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ये बहुत इजी चीज़ है, उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अब उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको कुछ वैल्यू चार्ट लेना है, रट लेना है, या आज याद कर लेना, रिमेंबर कर लेना, कुछ भी करना है, तो ये वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए बहुत बढ़िया तरीके से। आपको इसको हर हालत में अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसमें कैसे कैसे जो वैल्यू है, कुछ वैल्यूज हम लोग देख भी सकते हैं। उससे पहले यहाँ देखो, जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया log x टू द बेस a, तो आखिर ये log वैलिड है कि नहीं है, इसके लिए क्या कंडीशन होगा। तो कंडीशन जो है वो लॉग के वैलिडिटी के लिए जो कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि जो एक्स की वैल्यू होनी चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, और जो बेस है ए की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, और ए की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि एक्स की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0, बेस ए की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0, और ए की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये कंडीशन लॉगरिथम को सेटिस्फाई कर रहा है, उस क्वांटिटी का आप लॉग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ देखो कुछ इसका रूल क्या है, देखते हैं। पहला रूल, अगर आपको लिख दिया लॉग एक्स टू द पावर एम, यहाँ लिखा हुआ ए, सपोज दैट बेस यहाँ पर ए के जगह 10 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी बेस हो सकता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, लॉग का रूल ये है कि जो पावर होगा वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, एम लॉग एक्स टू द बेस ए, ऐसा हो जाता है, एम लॉग एक्स टू द बेस ए। दूसरा रूल देखो, अगर आपको दे दिया लॉग एक्स इंटू वाई टू द बेस ए, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लॉग एक्स टू द बेस ए प्लस log y टू द बेस a। तीसरा रूल देखिए, अगर आपको दे दिया log x बाई वाई टू द बेस a, तो आप क्या करेंगे, आप इसको ऐसा करेंगे, log x माइनस log y, और दोनों के बेस में क्या होना चाहिए, a होना चाहिए। यानी कि अगर मल्टीप्लाई रहेगा तो ऐड कर देंगे, और डिवाइड रहेगा तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर ऐसा भी तो हो सकता था, यहाँ देखो log x बाई वाई जेड टू द बेस ए, तो अब क्या करेंगे, यहाँ देखो यहाँ बट्टा जैसे आ गया, डिवाइड आ गया, तो माइनस करना है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, लॉग एक्स टू द बेस ए माइनस लॉग वाई जेड टू द बेस ए, ऐसा कर दिए। अब इसको क्या लिखेंगे, आप इसको लिख सकते हैं लॉग एक्स टू द बेस ए माइनस लॉग वाई टू द बेस ए माइनस लॉग जेड टू द बेस ए, सॉरी प्लस यहाँ पर करेंगे आप, यहाँ मल्टीप्लाई है तो प्लस करेंगे। अब जैसे ही ये माइनस अंदर घुसेगा तो इसको भी माइनस कर देगा और इसको भी माइनस कर देगा, तो इसका जो फाइनल फार्मूला बन जाएगा वो यहाँ देखो, इसका जो ये जो फाइनल फार्मूला बनेगा वो ऐसा बन जाएगा, लॉग एक्स टू द बेस ए माइनस लॉग वाई टू द बेस ए माइनस
log z to the base a, ऐसा बन जाएगा। तो ये सब कुछ फंडामेंटल फार्मूला है जिसके बेस पर आप log का यूज़ करते हैं और log की वैल्यू भी आप एग्ज़ाम में फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ये सब वैल्यू को आप याद रखेंगे तो आपको एग्ज़ाम में बहुत टाइम बचेगा और आप आसानी से फटाफट जो है सो कैलकुलेशन कर पाएंगे, बहुत ही कम समय में कैलकुलेशन आप कर पाएंगे और सटीक वैल्यू भी आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए नेक्स्ट चीज, यहाँ नेक्स्ट चीज़ देखिए अब क्या करेंगे। जैसे मान लो नेक्स्ट रूल, हमने लिखा log x a टू द पावर p, ऐसा लिख दिए। पहले हम क्या लिख रहे थे, पहले हम लिख रहे थे log x टू द बेस a और x के पावर में m दे रहे थे। अब x पर पावर नहीं है, अब बेस पर पावर है। तो बेस पर पावर मतलब यहाँ पर मान लीजिए p दे दिया, तो इसका हो जाता है फॉर्मूला 1 बाय पी log x टू द बेस a, 1 बाय पी log x टू द बेस a, ऐसा हो जाता है। ऐसा भी हो सकता था अगर मान लीजिए दोनों पे रहता तब x टू द पावर q और यहाँ a टू द पावर p, तो आप इसको कैसा लिखते। यहाँ देखो ये लिखना बहुत सिंपल है। यहाँ पर क्या था, x के पावर कुछ नहीं था तो 1 था, कुछ नहीं था तो x के पावर 1 था। यही पावर यहाँ दिख रहा है 1 है कि नहीं, यही पावर यहाँ दिख रहा है 1। अगर यहाँ 1 था तो यहाँ 1 आया, तो यहाँ q है तो यहाँ पर q आ जाएगा, q by p into log x to the base a, ऐसा आप इसको लिख सकते हैं। आए बात सुन में, दूसरा इसका और भी जो रूल है, यहाँ देखो log x to the base a ऐसा दे दिया, तो log x to the base a को आप ऐसा भी लिख सकते थे 1 by log a to the base x, पलट सकते हैं आप। जो बेस में है वो प्रोडक्ट में चला गया, उसका वैल्यू निकालने के लिए चला गया, और जो जिसका वैल्यू निकालना था वो बेस में आ गया। तो इस तरह से भी आप वैल्यू निकाल सकते थे। दूसरा जो इसका एक और रूल होता है, बहुत ही अच्छा रूल है वो है बेस चेंज रूल। लॉग का जो एक रूल है वो है बेस चेंज रूल, कि बेस चेंज रूल कैसे काम करता है। तो यहाँ देखो मान लीजिए आपको दे दिया लॉग एक्स टू द बेस ए। अब ये ऐसी वैल्यू है मान लीजिए कि जिसका वैल्यू आपको पता ही नहीं है क्या करें, ठीक, जिसका वैल्यू आपको पता ही नहीं है कि क्या करें हम, तो उस कंडीशन में क्या करना है, बेस को चेंज कर लेना। तो क्या करेंगे, log x और log a दोनों का log ले लिए और बेस दोनों का चेंज कर देना, इसी को बोलते हैं बेस चेंज रूल। तो दोनों का जो बेस चेंज होगा, मान लीजिए यहाँ पर आप y रख लिए तो यहाँ भी आपको क्या रखना पड़ेगा, y, यानी कि यहाँ पर अगर आप 10 रखते हैं तो यहाँ भी आप क्या रखेंगे, 10 रखेंगे। क्लियर हुआ, इसी को बोलते हैं बेस चेंज रूल। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया रूल भी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी रूल पर एक क्वेश्चन देख लो, मान लो आपको दे दिया log 4 टू द बेस 3। अब इसका वैल्यू कैसे आप निकालेंगे, तो इसका वैल्यू हमें पता नहीं है, क्या करें, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए यहाँ देखिए हमको जो वैल्यू पता है वो 10 बेस वाले का पता है, ठीक, 3 बेस वाले का नहीं पता है। तो क्या करेंगे, log 4 अपॉन log 3 हमने ले लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबका बेस ले लो, तो बेस यहाँ पर दोनों का हमने 10 ले लिया, तो अब दोनों का 10 बेस का हमको फार्मूला वैल्यू पता है। log 4 की वैल्यू कितनी है, 0.6020, ठीक है, 0.6020, और log 3 का जो वैल्यू है वो हमको पता है 0.47, ठीक है ना, 0.47। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 0.4771 इस तरह से, और आप इसको डिवाइड कर लीजिए तो आप इसको वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ बात को समझिए कि क्या करना है। नेक्स्ट चीज, लॉग जो होता है वो दो टाइप का लॉग होता है, कौन कौन सा है आपको अगर कुछ भी लिखना है तो आप पाउज करके लिख लिया करें। लॉग दो टाइप का आपने सिलेबस में देखना है, जिससे कि आपका काम फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री दोनों में चल जाता है। यहाँ देखो लॉग दो टाइप का, कौन कौन सा टाइप का लॉग है वो देखते हैं। एक तो लॉग होता है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा लॉग एक्स टू द बेस 10, और दूसरा लॉग होता है लॉग एक्स टू द बेस ई, यानी कि एक 10 बेस वाला, एक तो ई बेस वाला, दो बेस वाला लॉग होता है जनरली। अपने अपने को जो पढ़ना है ऐसे, तो बेस कुछ भी हो सकता है, उसका 1 को छोड़ के कुछ भी बेस हो सकता है। इसी लॉग को, ई बेस वाले लॉग को ही हम लोग एल एन भी लिखते हैं, एल एन एक्स, इसी को हम लोग एल एन भी लिख सकते हैं, एल एन एक्स भी आप इसको फाइनली लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए जो भी फार्मूला हमने अभी देखा वो सब फार्मूला दोनों पर ही एप्लीकेबल है, दोनों में आप अप्लाई कर सकते हैं।
अगर आपको जैसे मान लीजिए दे दिया log 2 टू द बेस e, तो इसको आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं 2.303 इंटू log 2 टू द बेस 10, यानी कि e बेस वाले log को अगर 10 बेस वाले में कन्वर्ट करना है, e बेस वाले log को अगर 10 बेस वाले में कन्वर्ट करना है तो 10 बेस वाले log में 2.303 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 10 बेस वाला log e बेस बन जाएगा। ये 10 बेस वाला log क्या बन जाएगा? e बेस में बन जाएगा। ये सब वैल्यू आपको दिमाग पे अच्छे से रखना पड़ेगा। जैसे एक दो का वैल्यू आपको हम निकाल के भी दिखाते हैं कैसे आया। जैसे मान लो सपोज दैट आप इसको एकदम चार्ट लीजिए, बहुत ज़रूरी है, इससे आपका टाइम बहुत बचेगा। यहाँ देखो, अगर आप इसको चाहें तो ऐसा भी लिख सकते थे log 2 के पावर 2 टू द बेस 10। तो हमने क्या पढ़ा कि log में जो पावर होता है वो मल्टीप्लाई में, तो इसको पीछे भेज दीजिए, तो 2 log 2 टू द बेस 10। अब इसकी वैल्यू हमको पता है 0.3010, तो 2 इंटू 0.3010, तो ये वैल्यू हो गई 0.6020, इस तरह से हो गया। आप चाहें तो इसको एग्जाम में जब आप या कैलकुलेशन करते हैं न्यूमेरिकल में तो आप डायरेक्ट 0.60 भी यूज कर सकते हैं, आपको उतना ही आंसर आता है। तो आप इसको अच्छे से नोट करिए, फिर इसके बाद हम लोग अभी जस्ट कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। अब आइए हम लोग एंटी लॉक की समस्या को कैसे दूर किए करें इसके लिए कुछ देखते हैं। तो यहाँ देखो क्या करना है, इस वैल्यूज़ को आप याद रखना पड़ेगा हर हालत में, आपको इसको बहुत ही अच्छे तरीके से वैल्यूज़ को याद रखना पड़ेगा, तभी जा करके होगा। अब यहाँ देखो, ये जहाँ जहाँ आपको राउंड फिगर नज़र आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर 2 नज़र आ रहा है, यहाँ 4, 5 इस तरह से जो नज़र आ रहा है, ये सब एक्चुअली में राउंड फिगर नहीं रहता है। ये जो 8 है ये आपको कितना आता है, ये आता है 7.9896 के आसपास। तो 7.98 आ ही गया तो हम उसको डायरेक्टली 8 लिख लेते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन ईजी पड़ेगा। जैसे यहाँ 5 है तो ये आता है 4.9923 के लगभग, तो इसको आप लगभग 5 मान सकते हैं ताकि आपका कैलकुलेशन ईजी पड़ जाए। अब यहाँ समझो क्यों ऐसा ज़रूरत पड़ा। जैसे मान लीजिए आपने लिखा log x टू द बेस a बराबर y, log x टू द बेस a बराबर y, तो होता क्या है, आप इसको जैसे ही x लिखेंगे, अगर आप यहाँ से x का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो x बराबर आपको लिखना पड़ेगा a टू द पावर y। अगर आप x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा x बराबर a टू द पावर y। जैसे मान लीजिए आपने लिखा log, यहाँ पर सपोज दैट आपने ले लिया 5, ठीक है, तो यहाँ पर आप ले लिए 32, यहाँ ले लिए 2, इस तरह से आप मान लीजिए, या चलो इधर 5 ने लिख करके आप इधर y ही लिख लो अडॉप। अगर आपसे बोलता है कि y की वैल्यू निकालिए तो आप उसको 2 के पावर y लिख के 32 के बराबर करके भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ देखो 32 बराबर आप लिख देंगे 2 के पावर y, और ये 32 को आप क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 5 बराबर 2 के पावर y, तो यहाँ से आपको y का वैल्यू आ गया 5, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। या दूसरा तरीका हो सकता है आपको इस तरह से दे दे log x 2 इक्वल टू 5, तो यहाँ से अगर x निकालना है तो आप लिख देंगे 2 के पावर 5 और ये x कितना हो जाएगा आपको, तो x हो जाएगा आपको 32। तो दोनों तरीका है सोचने का, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। लेकिन अब रही बात कि इसका ज़रूरत कैसे पड़ा, कि 10 का हमको ज़रूरत क्यों पड़ रहा है, ये वैल्यू को हम क्यों याद रखें। अगर इसको आप याद रखेंगे तो आपको एंटी लॉक का झमेला ख़त्म हो जाएगा, ये बात आप जान लीजिए। कैसे ख़त्म हो जाएगा वो समझो, देखो इधर, यहाँ देखिए, अगर आपने मान लीजिए आपको दिया गया कुछ इस तरह से कि log x टू द बेस 10 इक्वल टू y, तो इसका x निकालने का एक तरीका तो होता है कि आप x बराबर 10 के पावर y लिख लीजिए, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका होता है जो कि सबसे पेचीदा और जो वही सबसे ज़्यादा टेंशन देता है, दूसरा तरीका ये है कि x निकालना है तो x बराबर आप लिख देंगे एंटी log ऑफ y, यही एंटी log जान खाता है, एंटी log ऑफ y। तो एंटी log से बचने के लिए, अब यहाँ देखो इसी के लिए हम लोग इसका इस यूज़ कर रहे हैं, तो एंटी log का मतलब क्या हुआ, तो एंटी log का मतलब हुआ कि 10 के पावर, ठीक है ना, एंटी log का मतलब ये होता है 10 के पावर में बैठा देना, समझ के बात को। एंटी log निकालना है, अगर जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई बोल देता है कि x का वैल्यू बताओ हमको, एंटी log
2 का वैल्यू बताओ, तो एंटी लॉग 2 का वैल्यू कुछ नहीं, इसका मतलब साफ है कि आपको 10 के पावर 2 कर देना है तो 100 हो जाएगा। तो ये तो ईजी है, इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपको इस तरह से वैल्यू दे दिया, 2.4, 2.5 इस टाइप से अगर वैल्यू दे दिया, तो आप क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए ऐसा दे दिया आपको log x टू द बेस 10 बराबर 2.3, अब कैसे करें? तो इसको x निकालना है तो मेथड 1 जो है इसका, सो देखो x निकालने के लिए आप डायरेक्ट 10 टू द पावर 2.3 करेंगे, या दूसरा जो मेथड है वो दूसरा मेथड ये है x बराबर आप एंटी log 2.3 करेंगे, जो कि दोनों ही, अब ये इजी पड़ेगा ये टफ है, कैसे एंटी लॉग ऐसे 2.3 निकालना है तो आपको मेंटिसा सारणी वो टेबल देखना पड़ेगा, लॉग टेबल, तब वैल्यू आप निकालेंगे। तो उतना लॉग टेबल आपको देता नहीं है एग्जाम में, समझ गए कि नहीं? तो उस परेशानी से आखिर बचे कैसे? तो उसी परेशानी से बचने के लिए हमने ये वैल्यू आपको लिख कर दे दी है। अगर आप इसको याद रखते हैं तो आपको एंटी लॉग फेंटी लॉग का जो टेंशन है वो सब नहीं रहेगा। कैसे नहीं रहेगा? तो यहाँ देखो, जैसे यहाँ से मेथड 1 से हम कैलकुलेट करके आपको दिखाते हैं, x बराबर आप क्या करेंगे, 10 टू द पावर 2 प्लस 0.3 आप लिख सकते हैं, यानी कि इसको आप 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 0.3 ऐसा लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 100 इंटू, अब 10 टू द पावर 0.3 की वैल्यू हमको, हमने आपको बताई ये कितना 2 है, तो आप डायरेक्ट यहाँ 2 कर दो तो ये कितना हो गया बाबू, ये आपको 200 हो गया, निकल गया, समझे कि नहीं? तो ये इस तरह से इजी पड़ेगा करना कैलकुलेशन, लेकिन वही अगर आप इससे निकालने जाइएगा तो फिर टेबल चाहिए, है ना? तो उससे बचने के लिए ही हमने ये सब जुगाड़ आपको बताया है। अब जैसे मान लो दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, आपको दे दिया गया log x टू द बेस 10 बराबर 2.25, इस तरह से दे दिया गया 2.25 दे दिया गया, तब क्या करेंगे आप? तो इसको निकालने के लिए आप x बराबर 10 टू द पावर 2.25 लिख दीजिए। इस मेथड से कैसे करते हैं सो देखो, अब x बराबर क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 2 प्लस 0.25, यानी कि 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 0.25 आपने घातांक एवं करनी, यानी कि सर्ड सेम एवं इंटीसेज का रूल पढ़ा होगा कि अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। अब यहाँ समझिए, यहाँ आ गया 100 गुने, अब 10 टू द पावर 0.25, आप बोलिएगा कि 10 टू द पावर 0.25 का तो वैल्यू यहाँ पर है ही नहीं, तो हम क्या करें? तो इन जब बीच में वैल्यू आवे ना, जब वैल्यू बीच में आता है तो क्या करिए कि देख लीजिए कि किसके किसके बीच में, जैसे ये 0.2 और 0.3 के बीच में, 0.25 जो है वो 0.2 और 0.3 के बीच में है, तो क्या करो दोनों के वैल्यू को ऐड करके आधा कर दो, लगभग वही वैल्यू होती है, ऑलमोस्ट उतना ही रहता है, पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद लगभग दूसरे तीसरे डिजिट पे जाके थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कैलकुलेशन पे, आंसर उतना ही आ जाता है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1.6 प्लस 2 बाई 2, क्लियर, 1.6 प्लस 2 बाई 2 ऐसा आप इसको कर सकते हैं। इससे क्या हुआ, तो अब इससे यहाँ पर वैल्यू आ गया 100 गुने, ये कितना होगा 3.6 और बाई 2 मतलब 1.8, अब आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, आपको आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर 0.25 है बीच की वैल्यू है, उसका वैल्यू अगर नहीं भी पता है तो भी आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो आराम से आप जिसके जिसके बीच में है, जैसे यहाँ पर 0.25 था तो ये 2.2 और 0.3 के बीच में था, तो दोनों के वैल्यू को ऐड करके हमने क्या किया, 2 से इसको डिवाइड कर दिया, तो उससे भी आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे, ठीक है। अब यहाँ मानिए, जैसे दूसरा एग्जाम्पल और हम लोग लेते हैं, यहाँ देखो, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया log 4.5 टू द बेस 10, log 4.5 टू द बेस 10, इसका वैल्यू आप कैसे निकालें? तो इसका वैल्यू निकालने के लिए आप इस तरह से कर सकते हैं, log 9 बाई 2 टू द बेस 10, ऐसा कर सकते थे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log 9 टू द बेस 10 माइनस log 2 टू द बेस 10। अब log 9 की वैल्यू, log 2 की वैल्यू दोनों पता है, log 9 की वैल्यू कितनी, तो 0.95 माइनस 0.30, यानी कि ये वैल्यू आ गई 0.65। तो ये वैल्यू याद रहेगा तो बहुत आसानी से आप फटाफट फटाफट कैलकुलेशन कर सकते हैं।
एक चीज़ और जो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है वो ये कि मान लीजिए आपको दे दिया ln x, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ log x टू द बेस e। इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 2.303 इंटू लॉग एक्स टू द बेस 10। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका ज़रूरत बहुत ज़्यादा आपको पड़ने वाला है। इसमें किसका ज़रूरत पड़ता है सो देख लो। ln 2 अगर है तो इसको आप इस तरह से लिखते हैं log 2 टू द बेस e, बराबर आप लिख सकते हैं 2.303 log 2 टू द बेस 10, और बराबर ये वैल्यू हो जाती है 0.693। 0.693 ये वैल्यू को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि इसका इस्तेमाल आपको फिजिकल केमिस्ट्री में और फिजिक्स में भी, न्यूक्लियर फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स जब आप करते हैं तो वहाँ पर इसका ज़रूरत आपको बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। क्लियर हुआ? अब देखते हैं एक दो और लास्ट रूल हम लोग देख लेते हैं। आपको एंटी लॉग का समस्या दूर करने का तरीका हमने बता दिया है, उसको भी आप चाहें तो दूर कर सकते हैं। यहाँ देखिए दूसरा तरीका, कुछ रूल और। मान लीजिए आपको ऐसा दे दिया a टू द पावर log x टू द बेस a, यानी कि a के पावर जो log है उसका भी बेस a ही है, यानी कि जिसके पावर में किसी का log निकालना है उस log का बेस भी वही वैल्यू हो तो फाइनल x हो जाएगा, आंसर वही आ जाएगा x। यानी कि अगर आप e टू द पावर log x टू द बेस e या फिर आप e टू द पावर ln x लिखते हैं तो ये वैल्यू आपको x ही रहेगी। इसका भी जरूरत आपको RC सर्किट वगैरह में बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है और आप इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। और e की जो वैल्यू होती है, एक्सपोनेंशियल की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.71। अब एक बात समझ लो कि log का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो ऐसा चीज़ जब इक्वल टू साइन के दोनों साइड आपको वेरिएबल क्वांटिटी नज़र आए, फिजिक्स में जब इक्वल टू साइन के दोनों साइड आपको वेरिएबल क्वांटिटी नज़र आता है तो आप आंख बंद करके लॉग का इस्तेमाल करना, ठीक है। आप इजीली जो है वो किसका इस्तेमाल करना, लॉग का इस्तेमाल करना। वैल्यू निकालने के लिए आपको लॉग का ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो लॉग का ज़रूरत हम लोग को समझ में आ गया फिजिक्स में, फिजिकल केमिस्ट्री में कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है। एंटी लॉग से बचने के लिए आपको मैंने तरीका बता दिया, आप इसको याद रखेंगे तो आपको लगभग लगभग एंटी लॉग की समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगी, वो भी फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तो दूर हो ही जाएगी। बाकी मैथमेटिक्स में आपको एंटी लॉग्स निकालना सिखाया जाता है, इतना आप ध्यान रखें तो ये आपका बेसिक फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत ही स्ट्रांग। इससे आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल करने में बहुत हेल्प मिलेगा, स्पेशली मेडिकल वालों को तो बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, और डिफरेंशिएशन तो खैर पढ़ाए भी हैं, डिफरेंशिएशन का कुछ क्वेश्चन और करा देंगे या फिर इंटीग्रेशन हम लोग स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।